Okay, friends. Now we are going to talk about Article 143 of the Indian Constitution, which is read as advisory jurisdiction of the Supreme Court. Advisory jurisdiction of the Supreme Court. यानी कुछ सलाहकारी टाइप की है. प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह पूछता है. थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ. ये मेरा ब्लॉग है जनरल स्टडीज इंडिया. आप www.padmat.org पे जा सकते हो और वहां से मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं. padmat.org. कुछ प्रॉब्लम आ रही है. चलिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखते हैं. तो आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यानी कि प्रेसिडेंट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को रेफर कर सकता है और उससे कुछ सलाह पूछ सकता है. ठीक है, अभी इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको आर्टिकल 123 बताया था. उस आर्टिकल 123 में क्या था कि प्रेसिडेंशियल पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस, उसके बारे में हमने बात की थी. वो प्रेसिडेंट की एक पावर थी. उसी तरीके से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी प्रेसिडेंट की एक स्पेशल पावर है. जहां पे भी प्रेसिडेंट चाहे, और ऑब्वियस बात है प्रेसिडेंट का मतलब है नहीं कैबिनेट चाहे कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मैटर जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके की लॉ बनाए या किस तरीके का एक्शन ले या किस तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कि वो क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़े. आगे देखते हैं. अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट था वो कब बना था, 28 जनवरी 1950. सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या क्या हुआ करती थी, एपेक्स बॉडी. हमारा एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है. उसी तरीके से इससे पहले 28 जनवरी 2050 से पहले हमारे एपेक्स कोर्ट कौन कौन से हुआ करते थे, या बेसिकली कहने का मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से हुआ करते थे. तो वो एक तो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एक था जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल. ठीक है, जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल, एक था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑब्वियस बात है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया में था और जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल ये कहां थी, ये लंदन में बैठती थी. अब जब इंडिया आजाद हुआ 28 जनवरी 1950 को, जब सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बॉडीज को अबॉलिश करके अपने आप को सेटअप किया. यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी खत्म हो गया तो जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल भी खत्म हो गया. टॉप अथॉरिटी क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई. अब शुरू शुरू में सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसकी कंपोजिशन क्या थी, एक चीफ जस्टिस था और 7 लोअर रैंकिंग जजेस थे. और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, टोटल 31 जजेस हैं. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इंक्लूड है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है. हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ रहे तो उसमें बहुत हल्का सा आइडिया आपको दे रहा हूं. अब हम आते हैं appellate jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, ये appellate jurisdiction of the Supreme Court क्या है, appellate का मतलब क्या होता है, appellate का मतलब होता है to reverse. ठीक है, या to appeal a previous decision made by a lower court. यानी कि जिस पे already decision हो चुका है उस पे फिर से कुछ करना. तो मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस गया, हाई कोर्ट में उस पे कोई रूलिंग थी, अब जो पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उस केस की, उनमें से जो हारी है अगर उसको नहीं सही समझ में आ रहा है कि जो हमारे खिलाफ जो केस हुआ है, हमें जो सजा मिली है वो सही है गलत है, तो वो क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से उस केस पे एक काउंटर अपील फाइल कर सकते हैं कि नहीं भाई हम हाई कोर्ट के आदर से खुश नहीं है, ऑर्डर से खुश नहीं है, आप हमको एक फिर से हियरिंग का मौका दो. तो वो किसके अंडर में आता है, सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन. एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब जहां पे पहले कोई दूसरी कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर सुना चुकी है, इसको बोलते हैं appellate jurisdiction of the Supreme Court. अब इसमें बहुत सारी technicalities हैं कि कुछ decisions High Court के ऐसे होते हैं जिसमें Supreme Court सामने appeal नहीं जा सकती. ठीक है, तो appellate jurisdiction of the Supreme Court की भी कुछ limited हैं, जब हम लोग specifically Supreme Court को पढ़ेंगे तब देखेंगे. अब original jurisdiction of Supreme Court, original jurisdiction क्या होता है,
यानी कि कोई एक ऐसा मैटर जिसमें अगर सुनवाई होगी तो केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी और कहीं नहीं सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन फेडरेशन में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अगर उन स्टेट्स के आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोई डिस्प्यूट हो गया किसी चीज को लेके, तो उस चीज के लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो ऐसा नहीं कि कर्नाटका के हाईकोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी या महाराष्ट्र की हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी, वो फिर किसके अंडर में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। क्या मतलब यहाँ पे, हेयर केसेस रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और द गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड, दिस इज एन ओवरली सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट जस्ट सो यू कैन हैव अ बेसिक आइडिया। कहने का मतलब ये है कि या तो दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही हो या सेंटर और किसी पर्टिकुलर स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही हो, जहां पे हाई कोर्ट काम नहीं कर सकती वहां पे तो भाई एपेक्स कोर्ट ही चाहिए कंट्री की, तो सुप्रीम कोर्ट होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, बेसिकली यही है और टेक्निकलिटीज हैं पर वेग आइडिया इसका यही है। अगला, अब हम मेन चीज पे आते हैं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है। इस टॉपिक का मेन कंसर्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो कि आर्टिकल 143 के अंडर लिस्टेड है वो है क्या। तो हम पहले देखते हैं कि भाई ये 143 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है इसका ओरिजिन क्या है। तो ये जो आर्टिकल 143 आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया है, सबसे पहले आपको ये देखते हैं। तो कहां से आया है, ये आया है सेक्शन 213 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 213 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या प्रोविजन था, मैं प्रोविजन पढ़ के बताता हूँ। एट द प्रोविजन इन विच इफ एट एनी टाइम द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फेल्ट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैड अराइज़न or could have arisen in the future of public importance such that it was expedient to take the opinion of the federal court apex judicial body at that time, he might refer the question to the federal court at his discretion and the court would then provide the answer to him after conducting an appropriate hearing. kya bol raha hai, ye bilkul same hai section 213 government of india act of 1935, humko pata hai ki hamare constitution ka maximum part more than 50% of part government of india act 1935 se utha gaya, उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई किया गया है ताकि वो हमारी एग्जिजेंसीज को मैच कर सके। और इसलिए उसको उठाया गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कुछ उस तरीके के प्रोविजंस थे जो हमेशा से हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है उसी को उठाना था। तो उसके अंदर सेक्शन 213 में ये बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अगर उसको किसी टाइम पे अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा लॉ है या लॉ से रिलेटेड कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में जरूरी है और उसके लिए गवर्नर जनरल अपने यू नो अधिकार क्षेत्र में उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो क्या करेंगे कि वो फेडरल कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। फेडरल कोर्ट उस समय की एपेक्स कोर्ट थी, एपेक्स कोर्ट मतलब उस समय की सुप्रीम कोर्ट थी फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट को वो उस मैटर को रिफर कर सकता है और फेडरल कोर्ट उस पर एक अप्रोप्रिएट हियरिंग कराने पर, हियरिंग का मतलब है कि जिस जिस पार्टी से वो मैटर रिलेटेड होगा उन पार्टी को सामने बुलाना, उन सबके पक्ष सुनना और सारे पक्ष सुनने के बाद अपनी राय देना, ठीक है। तो और जैसे जैसा यहाँ पे फेडरल कोर्ट राय देगा, सुप्रीम ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके हिसाब से अपना डिसीजन देंगे। अब इस सेक्शन 213 को जब आर्टिकल 143 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान बनाया गया तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। वो मॉडिफिकेशंस क्या थे कि जो कुछ शब्द थे सेक्शन 213 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए गए। क्या सब चेंज किए थे कि भाई गवर्नर जनरल की जगह तो प्रेसिडेंट आ गया, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट आ गया, और डिसीजन की जगह ओपिनियन आ गया, समझे, डिसीजन की जगह ओपिनियन आ गया। सेक्शन 2013 में क्या था, डिसीजन था। सेक्शन 143 में क्या आ गया, ओपिनियन आ गया। 2013 में डिसीजन, इसमें ओपिनियन। अब देखिए ओपिनियन क्या है, हमने आर्टिकल 143 जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको पढ़ता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि ओपिनियन क्या है। द प्रेसिडेंट मे सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन व्हिच ही थिंक्स इट एक्सपीडिएंट टू ऑब्टेन सच एन ओपिनियन ऑन सच रेफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर गिवन इट सच हियरिंग एज इट डीम्स फिट मे रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देना। इसका सिंपल सिंपल मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। कुछ शब्द यहां पे देखने वाले हैं, जैसे शब्द है एक्सपीडिएंट, ये देखिए कहां पे आया एक्सपीडिएंट, यहां आया और व्हिच ही थिंक्स इट एक्सपीडिएंट, यानी जहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक्सपीडिएंट है, एक्सपीडिएंट मतलब बिल्कुल जरूरी है, इसको स्किप ही नहीं किया जा सकता, एप्रोप्रिएट एडवाइजेबल, ठीक है। वंस द सुप्रीम कोर्ट रिसीव्स सच अ रेफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इट विल कंडक्ट एन एप्रोप्रिएट हियरिंग, वही जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन 213 में लिखा था,
ठीक है, मैटर विल बी एडवोकेटेड एंड डिस्कस्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स आफ्टर दिस स्टेप सुप्रीम कोर्ट विल गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. द वर्ड ओपिनियन इज क्रूशियल हियर. इट क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज जस्ट एन ओपिनियन. जस्ट एन ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि जस्ट एन ओपिनियन, दिस इज नॉट अ जजमेंट. ये जजमेंट नहीं है, फैसला नहीं है. ठीक है, कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं दे रहा, कोर्ट केवल वो ओपिनियन दे रहा है. किस सवाल पे? जिस सवाल को प्रेसिडेंट ने कोर्ट को रेफर किया. अब ओपिनियन का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक राय दे रहा हूं, पर मेरी राय आप पे बाध्य नहीं है. मैं आपको बस राय दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी में फ्री करने के लिए आपको करना हो करो, ना करना हो ना करो. मेरे हिसाब से ये सही है, मैं बस ये बता रहा हूं. तो यहां पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बस ये बता रहा है कि ये होना चाहिए. प्रेसिडेंट माने ना माने, ये उन पर डिपेंड करता है. तो ओपिनियन यहां पे किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे माने ना चाहे ना माने, लेकिन जब ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देता है तो इसका बहुत फर्क पड़ता है. क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि इस ओपिनियन को एक लीगल प्रेसिडेंट की तरह लिया जाता है, एक केस स्टडी की तरह लिया जाता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये राय रखता है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे संविधान का डिफेंडर है, कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का डिफेंडर है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय दे रहा है किसी लीगल मैटर पे, किसी भी मैटर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे, एग्जीक्यूटिव मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट अगर राय दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस राय पे काफी वेट होगा. और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उस राय को नहीं मानता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राय को नहीं मानता है, तो प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे पब्लिक प्रेशर पड़ सकता है. इसीलिए कहते हैं कि ये ओपिनियन भले ही सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग ना हो, पर इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. It carries a lot of weight and इसका बहुत importance है. आगे चलते हैं. अब ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, कौन सी वाली? एडवाइजरी पावर, जो आप सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं. इसको बहुत स्कार्सली यूज किया गया है, यूज भी इसको स्कार्सली किया जाना चाहिए. देखिए, पॉलिसी मेकिंग इज द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर, आपको पता है. ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेचर इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू जुडिशरी, तीनों को अपनी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है. जुडिशरी का काम, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? डे टू डे गवर्नमेंट चलाना. लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना. ठीक है, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव काम है डे टू डे गवर्नमेंट चलाना. जुडिशरी का काम है जो उनके उनके सामने केस आता है उनको देखना. अब अगर लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है गवर्नमेंट चलाना, अगर वो रोज ही कोई ना कोई डिसीजन लेके, कोई ना कोई एरर लेके या प्रॉब्लम लेके एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सामने खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने, नहीं नहीं भाई हम बताओ हमें क्या करना है, तो ये काम इसी काम पे ना बैठी जुडिशरी. इसलिए कहा गया है कि जो 143 आर्टिकल के जो पावर है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, इसको बहुत ध्यान से यूज करना है, बहुत कम यूज करना है. जहां पे ऐसा कोई मैटर जहां पे समझ ही नहीं पा रही है, सबने हाथ खड़े कर दिए, एग्जीक्यूटिव को भी समझ में नहीं आ रहा, लेजिस्लेचर को भी समझ में नहीं आ रहा, उस समय आप कोर्ट के पास जाएंगे. ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही खड़े हैं कोर्ट के पास. अब तक केवल 12 ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, और जितने भी ओपिनियन दिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना गया है. ठीक है, किसी पे भी ना नहीं हुई. सबसे पहला केस कौन सा था? द दिल्ली लॉ केस 1951. अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पहले याद रखिए दिल्ली लॉ केस 1951. 2002 में भी देन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने भी एक रेफरेंस भेजा था. उसने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी उन्होंने आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. किस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग? कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था, जो इलेक्शन हुए थे गुजरात में उन्हें लेके. इश्यू क्या था? द इश्यू वॉज रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर द इलेक्शन कमीशन कुड रिकमेंड प्रेसिडेंट टू द स्टेट. इश्यू ये था कि क्या आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकता है. इसको लेके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 143 ये एक एडवाइजरी ओपिनियन के लिए याचिका डाली थी, आप कह सकते हैं. अब आगे चलते हैं. ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी राय दे और चाहे ना दे. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी ही देनी है. दो चीजें तरीके की चीजें, तब देखते हैं. ये इसको आप पढ़िएगा, आर्टिकल 147 को, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. अब ये आप पढ़ लीजिएगा, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, पॉज करके ये दो पॉइंट्स पढ़ लीजिए. ठीक है, मेन चीज मैं आपको समझाता हूं. देखिए, आर्टिकल 143 के दो पार्ट है, आर्टिकल 143 क्लॉज है, आर्टिकल 143 क्लॉज 2. ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 143 में मे को अंडरलाइन किया है,
143 क्लॉज 1 में और 143 क्लॉज 2 में शैल को आइडेंटिफाई किया। मे का मतलब क्या है? कर सकते हैं। शैल का मतलब क्या है? करना ही है। मे का मतलब कर सकते हैं, शैल का मतलब करना ही है। दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 143(1) के अंदर क्या आता है, आर्टिकल 143(2) के अंदर क्या आता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज व्हिच इज ऑफ सच अ नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इज एक्सपीडिएंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 143(1) के अंदर में क्या सीधे सीधे मैंने लिख दिया है, पढ़िए इतना पढ़िए। डील्स विद एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस व्हिच हैज अराइजन और व्हिच इज लाइकली टू अराइज। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ का क्वेश्चन या पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आ चुका है हमारे सामने या चांसेस है कि फ्यूचर में हमारे सामने आए, उसको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए प्रेफर कर सकता है। समझे? अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा कोई केस जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आया है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से कोई रिलेटेड चीज कोई सामने निकल के आई है, उस केस में आपको हमेशा याद रखना है मे आता है मे। उस केस में क्या होगा देखिए कि पहले केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना डिसीजन दे और चाहे तो वो अपना डिसीजन देने से मना भी कर सकता है। यानी यहां पे ध्यान रखिएगा, देखिए ही मे रिफर द क्वेश्चन टू द कोर्ट। कौन? ही मे, प्रेसिडेंट मे रिफर टू द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट। कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। फॉर कंसीडरेशन एंड द कोर्ट मे आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंग्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरऑन। मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट या एनी सच पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, इस चीज से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट कोई ओपिनियन के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास मे है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि हम इस पे कोई ओपिनियन नहीं देना चाहते और वो चाहे तो ओपिनियन दे सकता है। लेकिन दूसरा, द प्रेसिडेंट मे नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन प्रोविजो टू आर्टिकल 131 रिफर अ डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन द सेड प्रोविजो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ओपिनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर बियरिंग as it thinks fit report to the president its opinion thereon। अब आ गया said proviso to article 137। ये proviso क्या है? proviso ये यहाँ ये article 143 clause 2, इसको पढ़िए। article 143 clause 2 किससे deal करता है? with any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments। यानी जब हमारा constitution promulgate हुआ था उससे पहले का कोई treaty, कोई एग्रीमेंट, कोई कोवेनेंट, कोई इंगेजमेंट, कोई सनाद, कोई इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज है, कोई भी मैटर है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, द कोर्ट शैल, कोर्ट शैल, यहां मे नहीं है, मे में तो कोर्ट के पास ओपिनियन था कि वो स्किप कर सकता, पर शैल में कोर्ट के पास ओपिनियन नहीं है, शैल में तो सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही देना है। यानी जब आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ था या पब्लिक इंपॉर्टेंस था तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट स्किप मार सकता था कि भैया हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट पलटी नहीं मार सकता। सुप्रीम कोर्ट को जब प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनाद, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई चीज पूछी गई है तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड, उसको अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, टू वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, मे को, शैल को, मे मतलब 143 क्लॉज 1 में देना चाहे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे, ना देना चाहे ना दे, 143 क्लॉज 2 में जहां पे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, सनाद और बाकी सब चीजों की बात हो रही है, कोवेनेंट एंगेजमेंट ट्रीटी की, वहां पे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन देना ही देना है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि वो उसका ओपिनियन माने, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, साफ साफ मना करते कि हम नहीं मानना चाहते। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि ना माने, अब तक 12 के 12 ओपिनियंस में सारे माने गए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आसान से कंक्लूजन। द आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट विद एडिशनल पावर्स, ठीक है, इट इज अ कंसल्टेशन पावर, देयर इज नो जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट नहीं है, इट डज नॉट रिफर टू हिज ज्यूरिस्डिक्शन, ये ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच ही मे यूज एट हिज डिस्क्रिशन। कहां किसका डिस्क्रिशन है? प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, और मतलब किसका डिस्क्रिशन है? कैबिनेट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। The answer provided by the Supreme Court is not a judgment. The Supreme Court cannot be asked to reconsider any of its previous decisions due to Article 143(1). यानी Article 143(1) के accordingly, अगर किसी public law या importance वाली चीज़ पे, public importance वाली चीज़ पे या किसी law वाली चीज़ पे कोई opinion देता है Supreme Court, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस opinion से पुराना कोई judgment dismatch कर रहा है या disagree कर रहा है, तो पुराने वाले judgment को Supreme Court को review करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया हो जिसमें जो चीज निकल के आ रही हो वो यहाँ के उसके एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में जो दिया हो उससे अलग हो रही हो। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो एडवाइजर वाला जो पावर है 143 में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय देता है वो राय उसके पुराने किसी डिसीजन से मिसमैच कर रही है तो जरूरी नहीं कि पुराने डिसीजन चेंज किया जाए, पुराने का डिसीजन वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि ये एक जजमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। लेकिन इस ओपिनियन की भी बहुत वैल्यू है, ये एक लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बट इस ओपिनियन को भी बहुत वैल्यू दी जाती है। क्यों वैल्यू दी जाती है? क्योंकि इसको इंफीरियर कोर्ट में माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिसीजन में माना जाता है, आप समझ रहे ना बात को, और इस चीज की बहुत पावर होती है क्योंकि एनजीओ, मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में निकल रहा है, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो जब ऐसा कहा है तो उसकी कुछ वैल्यू है और गवर्नमेंट को भी वो वैल्यू रखनी पड़ती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर करेगी तो रीजन देना पड़ेगा और लीगल रीजन से ज्यादा उसको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम क्यों मना कर रहे हैं इस चीज को। जब हमने पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पहली बात तो आपने पूछा तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं इसमें करना क्या है, उसका जब आपको कोई बता रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी बता रही है उसके बाद आप ना मानो तो फिर इसका मतलब आप अपनी मनमानी कर रहे हो, तो आप किसी इंटरेस्ट से क्लैश हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भले ही मानना जरूरी ना हो पर मानना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये वीडियो पसंद आई होगी, आगे और भी बहुत सारी वीडियो बताऊंगा। फिलहाल आप अपने जो भी व्यूज है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बीइंग पेशेंट।